या क्रिसमस, तो क्रिसमस पर बच्चों के लिए केक बनाना तो बनता है, और जब ये केक हेल्दी भी हो तो इसका मजा दोगुना हो जाता है। तो जो ये केक की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैंने ना ही मैदे का यूज़ करा है, ना ही शुगर का यूज़ करा है, और ना ही इसको मैंने ओवन में बनाया है, फिर भी ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बना है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। और इसके ऊपर मैंने एक चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डाली है, उसकी भी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप दोनों ही रेसिपी को ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही ईजी है इसको बनाना और ये हेल्दी है, तो आप बच्चों को आराम से जितना चाहे उतना खिला सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस हेल्दी से केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर 1 कप सूजी। इस सूजी को मैंने अपने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल महीन हो जाए। और अब लिया है मैंने एक बोल में 2 टेबलस्पून बटर, उसको मेल्ट कर लिया था मैंने। और अब इसमें मैंने ऐड करा है 1/2 कप दही। अब इस दही को बटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने रखी है छन्नी, और इसमें जो मैंने सूजी को ब्लेंड करा हुआ था वो डाल देंगे, और इसमें 1/4 कप कोको पाउडर डाल देंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को दिल खोल करके इसको शेयर करिएगा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये बैटर काफ़ी थिक लग रहा है, तो इसमें मैंने 1/2 कप मिल्क भी ऐड करा है, और मिल्क को अचानक से नहीं डाल देना है, धीरे धीरे करके इस पूरे मिक्सर में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैदे और गेहूं दोनों का ही यूज़ नहीं करा है। तो सूजी, जब हम इसमें कुछ लिक्विड डालते हैं तो सूजी थोड़ी देर रखने के बाद फूलती है, तो इसमें मैंने दूध डाला है, तो थोड़ा बैटर आपको रनी लग रहा है, बट उसके बाद थोड़ी देर बाद रखने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो अब इसको 5 मिनट के लिए मैंने साइड पर रखा है। और अब स्वीटनर के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ करा है 1 कप गुड़। ये नॉर्मल गुड़ है जो कि जिसके कि हम लड्डू वगैरह बनाते हैं, वो लिया है। उसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून वाटर डाल दिया है और इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दिया है। तो देखिए ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। आप चाहें तो इसको गैस पर भी मेल्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा सूजी वाला बैटर थिक हो गया है। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस, और ये जो मैंने गुड़ पूरा मेल्ट करके रखा हुआ था उसको इस मिक्सर में मिक्स कर देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है केक का। आप लोग को चॉकलेट केक पसंद है या वनीला केक पसंद है। और देखिए अब सारे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने अखरोट और किशमिश चूज़ करी थी, और यहाँ पे मैंने अपना केक टिन रेडी रखा था। इसमें बेस में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया था, और अब इस मिक्सचर को इसमें पोर कर देंगे और अच्छे से टैप करके। आप चाहें तो इसको ओवन में भी कुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको बेक करा है कुकर में, तो कुकर को मैंने प्री हीट करा हुआ था पहले से ही, और इसके बेस में मैंने एक कुकर का बेस आता है तो वो मैंने डाल दिया था। आप चाहें तो इसके अंदर प्लेट भी रख सकते हैं। और अब बस इसको मैंने केक टिन को इसमें डाल दिया है, और इसको कवर कर देंगे। इसमें विसल नहीं लगानी है, बस इस तरीके से स्लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, और 15 से 20 मिनट्स में ये केक हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया केक बन करके रेडी हो गया है, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश डाला है, जो कि मैंने घर पे ही बनाया था, और इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये चॉकलेट गनाश डालने से बहुत ही टेस्टी और चॉकलेटी सा फ्लेवर आ जाता है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बस इस तरीके से इसको स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल देंगे, और बस इसको एंजॉय करेंगे। तो इसी तरीके की इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस।